समलिंगी आसक्ति या होमोसेक्सुअल जो लोग हैं वो काफी मेरे से संपर्क करते हैं, उनको हम क्या मदद कर सकते हैं उसके बारे में यह वीडियो है। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्त न्यू महाराष्ट्र में पिछले 38 साल से अकोला में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। काफी सारे लोग जो है जिनको होमोसेक्सुअल ओरिएंटेशन है, माना है कि ये बीमारी नहीं है, ये भी लीगलाइज है, लोग होमोसेक्सुअल ओरिएंटेशन से जी सकते हैं, होमोसेक्सुअल लाइफ जीना कोई अपराध नहीं है या कोई गलत नहीं है, कायदे से भी ठीक है। तभी भी कुछ ऐसे लोग हैं कि जिनको होमोसेक्सुअल ओरिएंटेशन है, जिनको समलिंगी आसक्ति है, उनको एफिलिएशन है सेम लिंग के तरफ, वो यदि गे है मतलब लड़का लड़का उनको एफिलिएशन है, मेल टू मेल उनको गे बोलते हैं, फीमेल टू फीमेल है उनको लेस्बियन बोलते हैं, और ये लोग अभी अपना ओरिएंटेशन बदलना चाहते हैं। हो सकता है कि उनको एंग्जाइटी है, उनको डिप्रेशन है, उनको अच्छा लगता नहीं है, उनको गिल्टी लगता है, उनको लगता है कि नहीं मैंने इसमें नहीं रहना चाहिए, मैंने शादी करना चाहिए अपोजिट सेक्स से और ये गलत है। या कुछ लोग बायसेक्सुअल रहते हैं, मतलब उनको होमोसेक्सुअल भी है और हेट्रोसेक्सुअल भी है, और उनको अभी होमोसेक्सुअलिटी बंद करना है, तो वो भी लोग आते रहते हैं। तो ये लोग जो है, ये एक तो है कि उनको वो जीना नहीं चाहते वैसा, और वो राइटिंग में देने को तैयार है लिखित स्वरूप में कि भाई नहीं मुझे ये जो है ओरिएंटेशन होमोसेक्सुअलिटी का मुझे बदलना है, मुझे इसमें रहने का नहीं है, मुझे अच्छा लगता नहीं है। एक तो भी ऐसा हुआ हमारे यहाँ एक पेशेंट का कि उसने वो होमोसेक्सुअल ओरिएंटेशन उसको है, और उसने वो लड़के को बुलाया, एक दोस्त था उसको, और उसको बुला के उसके ऊपर अति प्रसंग करने का मतलब उसके उसने कोशिश की, वो लड़का भाग गया, इसको इतना वो ये हो गया, और बाद में उसको इतना गिल्टी लग गया, बोले कि वो कैसा मैंने इम्पल्सिवली किया, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है कि मैंने उसके ऊपर अति प्रसंग कैसा किया, उसको मैंने उससे छेड़का नहीं किया, फिर वो पुलिस के पास में गया लड़का, उसको मालूम ही नहीं था होमोसेक्सुअलिटी क्या है, और बोले मैंने ऐसा किया ही क्यों समझ में नहीं आ रहा है, इम्पल्सिवली उसने वो किया। तो ऐसे भी लोग आते हैं, और उनको फिर हम उनसे बात करते क्योंकि उनको बहुत एंग्जाइटी रहती है, डिप्रेशन रहता है, उसमें रहना नहीं चाहिए, तो ऐसे लोगों को मदद करते हैं, उनके साथ में बातचीत करते हैं, बातचीत करने के बाद में उनको काफ़ी अच्छा लगता है, रिलीफ लगता है, और वो लोग फिर बोलते हैं कि ठीक है अभी मैं खुद होके ये स्थिति में रहना नहीं चाहता हूँ, मुझे भी बदलना है। हालांकि बदलने के लिए सभी प्रकार अभी ऐसा प्रपोज है, रिकमेंडेड है कि अभी जो ओरिएंटेशन है ये बदलने के लिए अभी कोई भी कन्वर्शन ट्रीटमेंट जो है वो अलाउ नहीं करना चाहिए। ये होने के बावजूद भी कुछ लोग तो आते रहते हैं, फिर सवाल ये आता है क्या हमने उनको हकाल देना है, हमने उनको खड़ा नहीं रखना है, हमने उनको बोला है नहीं नहीं आप जाओ मरो जो करना है करो, क्योंकि कुछ लोग आते हैं मेरे पास में कि उनको लगता है कि सुसाइडल अभी उनकी टेंडेंसी हो गई है, कि नहीं मेरे को रहना नहीं है मैं सुसाइड कर लूँगा, मुझे रहना ही नहीं है मैं अभी खुदकुशी कर लूँगा और मर जाऊँगा, मुझे आप कुछ ना कुछ करके बचाओ, मुझे अभी शादी करना है, मुझे इसमें रहना ही नहीं। फिर हम उनके लिए लिसनिंग करते हैं, सुनते हैं, बातचीत करते हैं, फिर हमारे यहाँ कुछ सोशल वर्कर्स है वो उनके साथ में बातचीत करते हैं, साइकोलॉजिस्ट है वो उनके साथ में बातचीत करते हैं, और वो लोग बातचीत करके उनको जो भी मदद करना चाहिए वो मदद करते हैं। हमारा एक ट्रस्ट है, वो ट्रस्ट में जो सोशल वर्कर्स हमारे यहाँ जो आते हैं और ट्रस्ट के माध्यम से जो ये कार्यक्रम लगाते हैं कि जो होमोसेक्सुअल अभी अपनी खुद का ओरिएंट बदलना चाहते वो ट्रस्ट काम करता है, तो उनको हम बुलाते हैं और उनके माध्यम से जो भी कुछ मदद करना चाहिए उनको मदद करते हैं। तो ये देखिए मैं अभी एक जो है जिसको होमोसेक्सुअल ओरिएंटेशन है उसके साथ में बातचीत अभी मैं करके बताऊंगा कि हमने जो एक ट्रस्ट के माध्यम से जो काम किया, सोशल वर्कर्स ने एक काम किया, उनसे बातचीत किया, उनको जो भी ट्रीटमेंट दिया वो ट्रीटमेंट से उनको कैसा फ़ायदा हो गया, तो ये मैं वीडियो आपको बता रहा हूँ, मैंने उसका इंटरव्यू लिया खुद, ये देखिएगा। हाँ क्या है आपका साम? इम्प्रूवमेंट आए नहीं ऐसा करा, हिंदी में बताओ, हिंदी में। इम्प्रूवमेंट है हाँ मतलब जिस दिन से हिप्नोसिस किया तब से लेकर आज तक मतलब अट्रैक्शन गर्ल्स की तरफ बढ़ रहा है, हाँ पहले से ज्यादा है। आप यही चाहते थे? हाँ अच्छा, वॉइस की तरफ अट्रैक्शन था तो उससे क्या तकलीफ होती थी? उससे मतलब उससे मतलब मुझे जो नर्वसमेंट या मतलब बहुत बुरा फील होता था अब नहीं होता, और बॉयज के विचार आते ही नहीं। हाँ वॉइस फीचर आते नहीं। मतलब आते भी है तो मैं इग्नोर कर देता हूँ। हाँ वेरी गुड।
और ये आपको ऐसा यहाँ मेरे तरफ आने के लिए और इसके किसने बोला ये ऐसा? मैंने YouTube पे वीडियो देखे थे आपके, उससे आपका नंबर लिया और आपका एड्रेस लिया वहाँ से आया। तो क्या प्रॉब्लम था आपको? मुझे बॉयज की तरफ अट्रैक्शन था, मतलब होमोसेक्सुअलिटी जैसा प्रकार। तो अभी क्या फर्क लग रहा है अभी? अभी मतलब गर्ल्स की तरफ अट्रैक्शन बढ़ रहा है मेरा और अच्छा महसूस हो रहा है, कॉन्फिडेंट लग रहा है। आपको किसने लाया है यहाँ कि खुद आए, खुद होके आपने देखा? वैसे तो मेरे मतलब मामा ने लाया मुझे यहाँ पे, लेकिन यूट्यूब पे मैंने उससे पहले आपके वीडियोस और सब कुछ देखा था। तो वॉइस की तरफ अट्रैक्शन था तो उसमें तकलीफ होती थी क्या? तकलीफ नहीं, लेकिन मुझे उसके बाद अट्रैक्शन मतलब वो होने के बाद बुरा महसूस होता था कि मैं ऐसा क्यों हूँ। जैसे मतलब नॉर्मल बच्चे लड़के रहते हैं, उनको अपोजिट सेक्स की तरफ अट्रैक्शन रहते, लेकिन मुझे सेम सेक्स की तरफ अट्रैक्शन था। तो ये इसकी वजह से मुझे बहुत बुरा फील होता था, लेकिन अब गर्ल्स की तरफ अट्रैक्शन हो रहा है तो अच्छा फील हो रहा है। गुड, वेरी गुड, थैंक यू। अब कहाँ से हैं? मैं वर्धा से हूँ। ठीक है, और क्या करते हैं? मैं अभी 12th की एग्जाम पास दी हुई है और CET की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। गुड। तो जो लोग हैं उनके लिए हमने नॉन मेडिकल ट्रीटमेंट और एक सपोर्टिव ट्रीटमेंट जो सोशल वर्कर्स है उनके जरिए ट्रस्ट के माध्यम से जो ये मूवमेंट चलाते हैं कि भाई उनको मदद करना चाहिए, जो खुद लोग राइटिंग में देने को तैयार है कि भाई नहीं हमको मदद चाहिए, हमको नहीं रहना है, जिनको सुसाइडल आइडिएशन है बिकॉज उनको नहीं रहना है अभी होमोसेक्सुअल, या उनको एंग्जाइटी डिप्रेशन है तो उनको फिर बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी डिप्रेशन है तो वो सोशल वर्कर्स हमारे पास में लेके आते हैं, उनको हम एंटी एंग्जाइटी एंटी डिप्रेशन देते हैं और उनके एंग्जाइटी डिप्रेशन कम करते हैं। उनको यदि डिप्रेशन आया है सेकेंडरी डिप्रेशन तो उनको एंटी डिप्रेशन देकर उनका डिप्रेशन रिलीव करते हैं, और फिर जो भी सोशल वर्कर उनको सपोर्ट कर सकते हैं वो करते रहते हैं। जो आपको अच्छा लगा लोग उनको शेयर करो। थैंक यू वेरी मच।